जौनपुर की एक टीम मुश्ताक की पहली बीवी कौसर और उसके बेटे यूसुफ और अफजल से सवालात करने के लिए निकली। दूसरी टीम बनारस में एक्टिव की गई हसीना उर्फ हर्षा गुप्ता के पहले पति अभिषेक सिंह तक पहुंचने के लिए। कौसर? नहीं साहब, कौसर आफरीन के कत्ल के पीछे कैसे हो सकती है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हमारे लिए भी अभी तक इस केस में किसी पर भी यकीन करना मुश्किल रहा है, आप पर भी। लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूंगा? बेटी मेरी मारी गई है, सगी बेटी सौतेली नहीं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप हसीना को छोड़कर कौसर के पीछे क्यों पड़े। मैंने कौसर का बस नाम सुना है, ना मैं उसे जानती हूँ ना ही उसे कभी मिली हूँ। अभिषेक सिंह को जानती हो? मिली हो या मिली हुई हो? अब मेरा पहला पति कहाँ से आधमका इन सब में? उसी तरह से आधमका जिस तरह से आफरीन का हत्यारा तुम्हारे दरवाजे पे आधमका था। मेरा अभिषेक सिंह से अब कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन रिश्ता खत्म भी तो नहीं किया था तुमने, अधूरा छोड़ के भाग गई थी। सुना अभिषेक तुम्हारी काफी वक्त तक तलाश में था, रिश्ता तो था ना? वो रिश्ता नहीं, नरक था। रोज शराब पीकर मेरा भुर्ता बनाता था, भागती नहीं तो और क्या करती। और अब उस सालों पुरानी बात को इस कत्ल से जोड़ रहे हैं, अजीब है। हसीना, क्या ये अजीब नहीं है कि आफरीन के कत्ल के वक्त इब्राहिम के घर के बाहर का सीसीटीवी कैमरा एंड टाइम पे ऑफ हो गया? इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? एक और चीज अजीब है, कातिल को कैसे पता चला कि आफरीन ही दरवाजा खोलेगी? क्या आफरीन का दरवाजा खोलने का इत्तेफाक था या उसे दरवाजा खोलने के लिए भेजा गया? तुमने भेजा। बस हो गया मैडम, थक गई हूँ मैं। वही सवाल, वही शक, वही बेहुदा इल्जाम। मैं बस अपने जफर के साथ अब अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में कोई मर्द नहीं चाहिए, खास करके मुश्ताक तो बिल्कुल नहीं। मैं बस यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहती हूँ। भदोही छोड़कर तुम तब तक कहीं बाहर नहीं जाओगे जब तक ही आफरीन का असली हत्यारा लॉकअप के अंदर नहीं होता। लुबना का है आफरीन की असली माँ। हाँ, असली या नकली नहीं होती, जो पालती है वो माँ होती है। और मुझे नहीं पता कि लुबना कहाँ है। कौसर की तरह ना ही मैं उसे जानती हूँ ना ही उससे मिली हूँ। 6 साल पहले आखिरी बार लुबना से फोन पर बात हुई थी, तब वो कानपुर में थी। लुबना का कोई रिश्तेदार यहाँ है भदोही में? जी नहीं साहब, पर आप गलत लोगों पर शक कर रहे हैं साहब। लुबना आफरीन को आखिर क्यों मारेगी? उसने उसे अपने पेट से जना है और कौसर तो यहाँ है ही नहीं। आप अपनी पहली दो बीवियों की बड़ी हिमायत कर रहे हैं और आफरीन के कत्ल का इल्जाम सिर्फ हसीना पर डाल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप जानते हैं कि कातिल कौन है। ये आदमी कौन है? ये तस्वीर देखकर तो इसकी अम्मी भी नहीं पहचान सकती कि है कौन। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो कोई भी है उसे परवेज और हसीना ने ही भेजा होगा। इब्राहिम के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा आपने लगवाया था? अब मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? हसीना पर नजर रखवाने के लिए। नजर उस पर रखी जाती है जिस पर शक हो। परवेज और हसीना का चक्कर चल रहा है इसका मुझे पूरा यकीन है। यकीन तो आपको इस बात का भी है कि कौसर आफरीन का कत्ल नहीं करवा सकती। हालांकि जब आपने जौनपुर वाला घर बेचा था, कौसर ने आपको धमकी दी थी आपको बर्बाद करने की, आपकी किसी चीज को छीनने की, फिर भी आपकी उंगली कौसर की तरफ नहीं उठ रही। माजरा क्या मुश्ताक में? कौसर सैयद। जी मैडम, कौन सा पान खाएंगी आप बताइए। नहीं, पान वान रहने दे। ये बता, सुपारी कैसे दी तूने अपने तलाकशुदा शौहर की बच्ची आफरीन का कत्ल करने के लिए? कैसी मनहूस खबर सुना रही हैं आप? आफरीन बिटिया नहीं रही? तेरे घर में ताला लगा है, तेरे दोनों बेटे अफजल और यूसुफ गायब हैं और तू यहाँ ड्रामा कर रही है हमारे सामने। मैडम, दोनों जवान लड़के हैं, गए होंगे किसी काम से, अब बताकर थोड़ी जाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। और रही बात आफरीन की, तो आफरीन मेरे तलाकशुदा शोहर की बच्ची थी, लेकिन उसे मार कर भला मुझे या मेरे बच्चों को क्या फायदा होगा? सर, कौसर को क्वेश्चनिंग के लिए लाए हैं, लेकिन उसके दोनों बेटे अफजल और यूसुफ गायब हैं। दोनों के फोन्स भी स्विच्ड ऑफ हैं, हिस्ट्री शीटर हैं दोनों, चोरी और लूट के मामले में जेल भी काट चुके हैं। इस कौसर को जरा गर्मी दो रजनी, मुश्ताक बड़ी पैरवी कर रहा है इसकी। क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा, दाल में कुछ काला है। ये बच्ची आफरीन मुश्ताक और उसकी बीवियों के बीच शायद किसी मसले में बलि का बकरा बनी। हम आफरीन की असली माँ लुबना को ढूंढ रहे हैं, पर हो सकता है कौसर का भी इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। सर, बनारस पुलिस ने अभिषेक सिंह को धर लिया। गुड, कानपुर पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि मुश्ताक के मुताबिक उसकी आखिरी बार जब लुबना से बात हुई थी तब वो कानपुर में थी। ये पक्का कोई घरेलू मसला है। हर्षा हसीना बन गई भदोही में, वाह।
रे को शादी भी कर ली, क्या बात है। 6 साल पहले पागलों की तरह ढूंढा था हर्षा को मैंने, मतलब हसीना को। और ढूंढने के बाद क्या खुद गया था भदोही से मारने, और गलती में गुस्से से बच्ची को मार डाला? या तेरे आदमी ने यह कांड किया? जब वो भागी थी ना तब पता चलता कहाँ है तो जरूर उसे ढूंढ के लेकर आता, पर तो वो मुझे मिली ही नहीं। ये हर्षा हसीना बन गई, उसकी सौतेली बेटी थी, खुद का दूसरा बच्चा है आज। ये सब तो मैं आप लोगों से सुन रहा हूँ, और कोई 8 साल की बच्ची पर क्या दुश्मनी निकालेगा? और कोई ऐसे किसी को कैसे मार सकता गलती से? मार तो सकता अभिषेक, नफरत बहुत कमीनी चीज होती है वैसे। और तेरे पास तो मकसद भी था कत्ल करने का, तेरी बीवी तुझे धोखा देकर भागी थी। हाँ, लेकिन उस धोखेबाज को सबक सिखाने के चक्कर में मैं अपनी और अपनी दूसरी बीवी की जिंदगी दांव पर क्यों लगाऊंगा साहब? 2 साल पहले दूसरी शादी की है, मैं क्यों अपना बसा बसाया घोंसला जलाऊंगा? तेरी मर्दानगी को ठेस लगी थी, बदला चाहिए था तुझे। बिल्कुल ठेस लगी थी, जरूर लगी थी, लेकिन हर्षा हाथ नहीं लगी। साहब मैं बहुत छोटा आदमी, अब मैं दारू पीता हूँ तब मुझे होश नहीं रहता, लेकिन जब वो हर्षा भागी और जो ठेस लगी उसमें ये सब भी मेरा छूट गया। तो मैं वैसे ही बहुत कम पीता हूँ, तो क्या मिल जाता मुझे उसे मार के? ये दोनों टैबलेट्स रात को सोने से पहले, तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी। और हाँ, शायद तुम्हें खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी नींद के लिए, ट्राई टू बी रिलैक्स ताकि तुम्हें अच्छी नींद आ सके। ये चिंता, डिप्रेशन, नींद का ना आना, इसकी जड़ वो प्रॉब्लम, वो इशू है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उस प्रॉब्लम को अपने दिल और दिमाग में बिठाए रखने से बेहतर है उसे अपनी जुबान पर लाओ। तुम समझ रहे हो ना? जी सर, समझते। अगर समझते हो तो बात करो, तुम अपनी माँ से बात करो, किसी और से बात करो, तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो जब भी तुम्हारा दिल करे। मुश्ताक मेरे बचाव में बोल रहा है, जरूर कोई चाल होगी इसमें ताकि आप लोग मुझ पर और शक करने लगे। बर्बाद करने की धमकी तो तुमने उसे दी थी, कुछ छीन लेने की धमकी। कोई सर से छत छीन ले तो उसके लिए मुंह से गाली गलौच और धमकी ही निकलेगी ना। मुश्ताक का बुरा चाहा था मैंने, लेकिन उस बेचारी आफरीन का नहीं। मैडम, हम दूध के धुले नहीं हैं, लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं हैं जितना कि वो मुश्ताक। धंधा करता है इत्र का, लेकिन है एक नंबरी बदबूदार। बताऊं क्या किया उसने मेरे साथ? सच है तो बता, अगर झूठ साबित हुआ तो मैं तेरे लिए बहुत बुरी खबर साबित होंगी कौसर। मैडम, मेरे लिए तो सबसे बुरी खबर वो लालची मुश्ताक ही था। मेरे अब्बू का खून चूस लिया दहेज के लिए उसने, वो भी अचानक से, शादी के 4 साल बाद, 2 बच्चे हो जाने के बाद। तंग आकर मैंने इसी पुलिस स्टेशन में रपट लिखवाई और बंद करवा दिया उसे। दहेज मांगने के चार्ज पर? हाँ हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना अपने खातों में, मेरे पास आज भी पर्ची है उस शिकायत की जो मैंने दर्ज कराई थी। तब साले ने मुझे जेल मिलने के लिए बुलाया, मुझे लगा कि सहम गया होगा, अफसोस मना रहा होगा, लेकिन कमीनापन तो देखो जरा। तलाक तलाक तलाक, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर केस किया, मुझे जेल भिजवाया, अब देखती जा कौसर, अगर तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की ना तो मेरा नाम भी मुश्ताक नहीं। तो फिर तो तू अपना नाम बदल ही ले, क्योंकि तू कुछ करे और मैं उसका जवाब सूद समेत ना दूं तो मेरा नाम भी कौसर नहीं। टूटकर बिखर चुकी थी मैं, अफजल और यूसुफ भी बहुत छोटे छोटे थे, और मुश्ताक ने मुआवजे में भी कुछ नहीं दिया, ऊपर से घर पर इतना बड़ा ताला लगाकर गायब हो गया। फिर क्या था, ठान ली थी छोड़ूंगी नहीं मैं। उसी के घर के सामने पान की दुकान डाल ली, उस पर नजर रखने के लिए कि कब वापस लौटता है भगोड़ा। और देखो, जन्म जला 4 साल बाद वापस लौटा भी तो कैसे। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम लुबना है, आपकी तारीफ? शरीफों से तारीफ नहीं पूछा करते। इस घर में क्या कर रही है? मेरे शौहर का घर है, उनके साथ रहने आई हूँ। सवाल करने वाली आप कौन होती हैं? तेरा आने वाला कल हूँ मैं, ठीक से चेहरा देख ले। ये क्या कह रही हैं आप? कौन है लुबना? तो मुश्ताक मियाँ हमको छोड़कर एक और निकाह कराए, लेकिन अपनी इस लुबना बेगम को बताया कि नहीं तुमने कि इस शहर में एक नहीं दो दो बच्चे हैं तुम्हारे, जिनकी परवरिश के लिए तुमने इतने सालों में एक तमड़ी तक नहीं दी। मुझे तो भूल ही जाओ। लुबना अंदर जाओ, आफरीन रो रही है। अरे रुको लुबना बेगम, अपने इस बादशाह की काली करतूतों के बारे में तो सुनकर जाओ। आफरीन तो क्या, तुम खुद भी फूट फूट कर रोने लगोगी।
ये क्या कह रही है जी? लुबना, तुम अंदर जाओ, जाओ, चल साले, दफा हो यहाँ से, वरना लात मारकर बाहर निकालूंगा। मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है और रहे तेरे बेटों से। वो लुबना के साथ मजे मारता रहा और फिर जब दिल भर गया, खुशबू खत्म हो गई, तो इत्र की खाली शीशी की तरह फेंक दिया लुबना को। कौसर, जरा एक बनारसी पान बना दे। मुफ्त में तो दूंगी नहीं, और तुम्हारी और मेरी कोई रिश्तेदारी अब रही नहीं। ये ले, यूसुफ और अफजल कैसे हैं? वाह, आज इतने सालों बाद मेरे बच्चों की खैरियत पूछ रहे हो। सब कुछ ठीक ठाक तो है? क्या हुआ, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? लुबना के अम्मी अब्बू ने भी दहेज देने से इनकार कर दिया क्या? घर से निकाल दिया खुद गर्ज को मैंने। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अरे मुश्किल से 2 साल की है आफरीन, लुबना कहाँ लेके उसे मारी मारी घूमेगी? छोड़ दिया ना मेरी तरह उसे भी। आफरीन को मैंने रख लिया है, अब मैं पालूंगा उसे। तुम यूसुफ और अफजल को लेकर मेरे पास वापिस आ जाओ, हम फिर से निकाह करेंगे, हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कौसर, सालों की बदले की आग मानो पल भर में बुझ गई मैडम, इसीलिए यूसुफ और अफसल को लेकर मुश्ताक के पास वापस चली गई। सारे गिले शिकवे माफ करके फिर से निकाह कर लिया मुश्ताक से मैंने। और आफरीन? आफरीन को पूरे 2 साल तक अम्मी बनकर पाला है मैंने, मेरे तो जैसे जिगर का टुकड़ा थी वो। फिर क्या, कुत्ते की दुम फिर से टेढ़ी हो गई? साला इस मर्द जात को हर जगह मुंह मारने की और मनमानी करने की बीमारी में छूट और फितरत दोनों है। जब चाहा निकाह कर लिया, जब चाहा तलाक बोल दिया, और एक बार फिर मुझे मुश्ताक ने तलाक दे दिया। लेकिन इस बार मैं भी डटी रही, चौकड़ी मारकर बैठ गई घर में, कहा कि घर नहीं छोड़ूंगी, तू निकल जा। तो फिर मुश्ताक आफरीन को लेकर चला गया। फिर घर कब बेचा? वो तो अभी 4 महीने पहले की बात है, घर बेच दिया बिना बताए, चोरी छुपे। मेरा घर है कौसर, किसी को बेचूं या खैरात में दूं मेरी मर्जी, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? अरे तेरे 2 बच्चों की अम्मी हूं मैं वो हूं जिसे तू एक दमड़ी नहीं देता घर के खर्च के लिए, और ऊपर से सर से छत छीन रहा है। अब तू देख मैं तेरे से क्या छीनती हूं, बर्बाद कर दूंगी तुझे। अम्मी, अब्बू ने एडवांस भी ले लिया और अपना घर ना उस राशिद खान को बेच दिया। फिर से निकाह करके खुद तो बदोई में अपना नया घर बसा लिया और हमारा घर छीन रहे। नहीं छीन पाएगा, इस बार हम घर से बिल्कुल हिलेंगे ही नहीं। आप ही बताइए मैडम, आफरीन को मार के मुश्ताक का घर मेरे नाम हो जाता? नहीं ना, तो मैं क्यों मरवाऊंगी आफरीन को? भड़ास निकालने के लिए, हसीना और मुश्ताक को फंसाने के लिए। भड़ास तो थी और निकालनी भी थी, लेकिन मुश्ताक पर, और अगर किसी को भेजना ही था मुझे तो फिर मुश्ताक को मरवाती ना, आफरीन को क्यों? ये यूसुफ है या अफजल? यूसुफ और अफजल आफरीन के भाई थे मैडम। सौतेले, वो भी सिर्फ 2 साल के लिए। तुम्हारे दोनों बेटे चोर हैं कौसर। बाप का थप्पड़ नहीं पड़ा ना मैडम, इसीलिए। और बाप जब दोबारा से जिंदगी में आया भी तो बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन ये बात यकीन से जरूर कह सकती हूँ मैडम कि मेरे दोनों बेटे बिगड़े हुए जरूर हैं, लेकिन मुश्ताक की तरह कमीने नहीं है। लुबना, बहुत जलील कर निकाला लुबना को मुश्ताक ने, लेकिन कोई अपने पेट से जनी हुई बेटी को कैसे मार सकता है? ना जी ना, मेरे हिसाब से तो ये किया धरा मुश्ताक का ही है, या फिर जो अभी है उसके साथ। हसीना? हाँ हसीना। मैडम मुझे लगता है कि हसीना मुझसे और लुबना दोनों से ज्यादा चलाक है, और इसीलिए शायद मुश्ताक उसको तलाक नहीं दे पा रहा होगा, और तभी ये नाटक कर रहा है हमदर्दी लेने के लिए। मैडम मुश्ताक पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता, और वो तो झाड़ फूंक भी करता है। झाड़ फूंक? और मैं? सीधे सीधे पूछता हूँ, झाड़ फूंक करते हैं नहीं करते? बेचते हो ना ताबीज? मैं सिर्फ इत्र बेचता हूँ साहब, और शौकिया ध्यान लगाता हूँ। शौकिया ध्यान? ये क्या होता है? लोग अपनी परेशानियां लेकर मेरे पास आते हैं, मैं ध्यान लगाकर उनका हल ढूंढता हूँ। Thank you.
अपने बेटे के दाहिने हाथ पर बांध देना। यहाँ बुखार उतर जाएगा और कोई भी शैतानी ताकत तेरे घर आने की हिम्मत नहीं करेगी। ये कोई काला जादू नहीं है साहब, बस दुआ है लोगों की मदद के लिए, उनकी बरकत के लिए। तुम्हारा ये क्या मुराकबा, जो भी है ध्यान लगाओ और बताओ कि आफरीन का कत्ल किसने किया। मैंने आपको बताया तो है लेकिन आप सुनते ही नहीं। हसीना हसीना हसीना। सुन ली और मान भी ली तुम्हारी बात। अब जरा ये भी बता दो कि उस दोपहर को तुम्हारे घर पर ये जो नकाबपोश आया था, ये कौन है? अगर मेरी इतनी ताकत होती ना तो अपनी बच्ची आफरीन की मौत नहीं देख लेता, बचा नहीं लेता अपनी जान को। छोटा सा आदमी हो सा, छोटे छोटे मसले जहन में आते हैं जैसे पढ़ाई बुखार वगैरह, इससे आगे कुछ नहीं। फिर एक छोटा सा मसला ही हल कर दो। इब्राहिम के घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो ऐन उसी वक्त बंद क्यों हुआ जिस वक्त आफरीन का कत्ल हुआ? क्या माजरा है? इब्राहिम से दुश्मनी है तुम्हारी? क्या छुपा रहा है वो? इब्राहिम का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि हसीना ने ही जरूर इस आदमी को भेजा होगा। क्यों? तुम्हारी पहले दो बीवियों को तुमसे क्या मिल गया? उटी कौड़ी नहीं, उल्टा तुमने उन दोनों को बेघर कर दिया। हसीना को तुम्हारी बच्ची को मारकर कौन सा खजाना मिलने वाला था? तो क्या मैंने मार दिया अपनी बच्ची को? सगे बाप ने बिना माँ के 2 साल पाला है उसे, जान थी वो मेरी। तो फिर यूसुफ और अफजल क्या थे मुश्ताक मियां? उन्हें तो कौसर ने मुझसे छीन लिया। उन्हें दूध पिलाकर नहीं जहर पिलाकर बड़ा किया है डायन ने। और जादू और टोना टोटका तो उस हसीना ने किया है आप लोगों पर, जो आप उसकी तरफदारी किए जा रहे हैं। मैंने हसीना से शादी सिर्फ इसलिए की थी कि अपनी बच्ची को माँ का प्यार दे सकूं। इसीलिए हसीना को गोलियां खिला खिलाकर उसे माँ बनने के हक से महरूम रख रहे थे। फिर उसकी तरफदारी, जब आप लोगों ने ठान ही लिया है कि मेरी बच्ची के कातिल को पकड़ना नहीं है तो फिर ये दिखावा क्यों? मुझे भी चढ़ा दीजिए ना फांसी पर। वैसे भी आफरीन के साथ मेरी आधी जान तो निकल ही चुकी है। पर आधी जान तो बाकी है ना मुश्ताक। यकीन करो मेरा, मैं तुम्हारा ये मुराकबा या ध्यान लगाए बिना अपने तजुर्बे से एक बात कह सकता हूँ। ये जो तुम्हारा इत्र है ना, इस इत्र में खुशबू नहीं है, बदबू है। सालों से यही मुराकबा कर रहा हूँ सरकार। ध्यान से देखिए, कोई जादू टोने वाली चीज दिखाई देती है आपको? ये तुम्हारा साइड बिजनेस कब से चल रहा है? किस किस्म के लोग आते हैं तुम्हारे पास? कोई रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं है साहब, बस जो लोग परेशान होते हैं मुझे खुद ढूंढ लेते हैं। मैं खुद से कुछ नहीं करता। करवाते हो? करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ साहब? वो तो तुम बहुत जल्द बताओ, पहले ये बताओ कि ये कौन है। और तुम जानते हो मुश्ताक, तुम जानते हो सारे जिले के बाहर के हर मुमकिन हिस्ट्री शीटर्स को खंगाला गया जिस पर कभी कत्ल का चार्ज लगा, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा। केस से जुड़े हर सस्पेक्ट पर कड़ी नजर रखी जा रही। हर गुजरते दिन के साथ हमारा मुश्ताक पर शक और गहरा होता जा रहा था, पर आफरीन के कत्ल का मकसद सामने नहीं आ रहा था। मैडम, अपनी लिस्ट के हर बंदी को अंदर बाहर खंगाला, लेकिन आफरीन को मारने के बाद किसका फायदा होने वाला था ये पता नहीं चल पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची ने कुछ देख लिया था या कुछ सुन लिया था जिससे किसी का नुकसान होता, खतरा होता, मतलब लफड़ा अफेयर वगैरह? अशफाक, इस किस्म का खतरा तो सिर्फ हसीना को हो सकता है। भला मुश्ताक को अपनी ही सगी बेटी से क्या खतरा हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हसीना का अपने ही पड़ोसी इब्राहिम के साथ कुछ चल रहा हो? मुझे भी तगड़ा वाला डाउट है इस इब्राहिम पे। उसका पूरा चिट्ठा निकाल लिया, बंदा कारपेंटर है, कोई उसकी खुद की दुकान नहीं है मैडम, बस वो वहाँ काम करता है, एक तरीके का दिहाड़ी मजदूर समझ लीजिए। ऐसे बंदे के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा, कुछ अजीब नहीं है? अशफाक, एक और चीज अजीब है कि ठीक कत्ल के वक्त इब्राहिम के घर के बाहर का सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो जाता है। मैडम, दो जोड़े हैं, मुश्ताक हसीना, इब्राहिम नाजिया, इनके बीच क्रॉस कनेक्शन हुआ होगा। कहीं शक के मारे तो नहीं इब्राहिम ने इतना खर्चा उठाकर अपने घर के बाहर सीसीटीवी लगवाया? हो सकता है मैडम, खुन्नस मुश्ताक पे होगा, गहरा घाव देने के लिए आफरीन को मार दिया होगा, या फिर इब्राहिम हसीना को आफरीन ने साथ देख लिया होगा इसलिए हटा दिया बच्ची को। सर, कानपुर में लुबना का पता चल गया है। उसकी तरफ से कोई रंजिश? सर, जब कानपुर पुलिस ने लुबना को आफरीन के मर्डर के बारे में बताया तो चौंक गई। मैं समझी नहीं, कह क्या रहे हैं आप? यही कि जब मुश्ताक ने आपसे आफरीन को छीना तो तकलीफ तो बहुत हुई होगी आपको। इससे आपका क्या ताल्लुक है? ये मेरे मुश्ताक और आफरीन का निजी मामला है। अब ये मामला सिर्फ आपके और मुश्ताक के बीच में रह गया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको वाकई नहीं पता आफरीन के बारे में? क्या उसका कत्ल हो गया है? क्या? अल्लाह!
एक हफ्ता हो चुका है इस बात को, कहीं आपने तो नहीं भेजा था किसी को वहां पर? 6 साल हो गए, उस कमीने मुश्ताक ने मेरी बेटी से मुझे फोन पे भी बात तक नहीं करने दी। इतनी हैसियत नहीं है मेरी कोर्ट कचहरी में केस करके लड़के अपनी बेटी को हासिल कर पाती। बस हर दिन उसके लिए दुआ करती थी और हर रात उसकी याद में रो रो के सो जाती थी। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कहीं मैंने तो, और एक हफ्ता हो गया अभी तक मुश्ताक ने एक बार भी मुझे फोन करके बताया भी नहीं। बोझ बन गई होती तो कह देता मुझसे, मैं खुद जाकर ले आती उसे, जान से मारने की क्या जरूरत थी। साहब ये उसी ने किया है, कोई और औरत मिल गई होगी उसे और आफरीन की जिम्मेदारी से भागना चाहता होगा। सर कौसर की तरह लुबना भी मुश्ताक का इनाम ले रही है। कौसर के दोनों बेटे यूसुफ और अफजल दोनों को जौनपुर पुलिस ने पकड़ा और खूब तोड़ा। सर यूसुफ और अफजल को रात भर तोड़ा, लेकिन दोनों लड़के यही कहने कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, ये भी अपने बाप मुश्ताक पर ही उंगली उठा रहे हैं। शायद कौसर ने अपने बेटों से नहीं बल्कि किसी और से काम करवाया। सर कौसर के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए मैंने, सब कुछ क्लीन है सर, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आता। सर मुश्ताक के दोनों एक्स बीवियां लुबना और कौसर भी मुश्ताक की करंट बीवी हसीना की तरह ही मुश्ताक का ही नाम ले रही। हसीना ने आफरीन को भेजा दरवाजा खोलने के लिए और आफरीन मारी गई। अब सवाल यह है कि क्या टारगेट आफरीन थी या फिर टारगेट हसीना थी और आफरीन गलती से मारी गई? सर अगर हम ये मान के भी चलें कि आफरीन गलती से मारी गई तो टारगेट हसीना थी, क्योंकि वो दरवाजे पर मिली नहीं, इसलिए कातिल ने हड़बड़ाहट में या फिर गुस्से में बच्ची को मार डाला। मुश्ताक को शक था कि हसीना और परवेज का चक्कर है, तो हो सकता है मुश्ताक ने किसी को भेजा हो हसीना को मारने के लिए, पर कातिल चूक गया और उसने गलती से आफरीन को मार दिया। सर हाजिर उमाल से चेहरा ढकने वाला शख्स इस रास पर से पर्दा उठा सकता है कि आफरीन को किसने और क्यों मार डाला। शाहिद को हम 2 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, अगर उसका ये डिप्रेशन या मायूसी और बढ़ने लगी तो हमें उसे हेवी डोज देने होंगे। ऐसा क्या है जो उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, वो बता भी नहीं रहा। ऐसी क्या बात है जो उसे परेशान कर रही है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? मुझे कुछ पता नहीं डॉक्टर साहब। दवाई का टाइम हो गया है शायद, ये ले लो। जी मैडम। आपका बेटा सोहिल घर पे है? देखिए आंटी, मेरा हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था, फिर जंप मारकर ट्राई किया टीवी ऑन करने के लिए, तभी सीसीटीवी के स्विच पर हाथ लग गया और ऑफ हो गया। यानी आपने जब ये किया तो आपको पता लग गया कि आपसे गलती से सीसीटीवी का स्विच ऑफ हो गया है ना? मैडम इसे कैसे पता चलेगा, इसे तो गलती से हुआ ना, ये हर दूसरे दिन ऐसी गलती करता है, बहुत शरारती है। पास में सबरम जी रहती है ना? जी। क्यों? सोहिल को थोड़ी देर के लिए वहाँ छोड़ के आई है, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। किस बारे में? 2 झूठ के बारे में। 2 झूठ? हाँ 2 झूठ। पहला झूठ, तुम मियाँ बीवी ने बुलवाया सोहिल से कि सीसीटीवी का स्विच गलती से ऑफ हो गया, बल्कि ऐसा हुआ ही नहीं नाजिया, सीसीटीवी जानबूझकर ऑफ किया इब्राहिम ने। और दूसरा झूठ, नाजिया तुम अभी तक ये कहती आई हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, बल्कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। तुम जानती हो कि इब्राहिम ने ही आफरीन को मरवाया, इस आदमी को भेजकर, और इब्राहिम ने वो सीसीटीवी तुम्हारे लिए लगवाया था ना? इब्राहिम मुश्ताक और तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। वाहियात बातें कर रहे हैं साहब आप, वाहियात से भी बढ़कर हरकत की है तूने इब्राहिम, हमारे पास सबूत है तेरे और हसीना के चक्कर का। बकवास कर रहे हैं साहब आप। आफरीन की वजह से तुम्हारे गुलशरों में अड़चन हो रही थी, हसीना पहले से चिढ़ती थी आफरीन से, 1 तीर 2 निशान, हसीना की जिंदगी से आफरीन बाहर और तुम दोनों के अफेयर से भी। साहब पागल हो गए क्या? मैं हसीना के साथ नाजायज रिश्ते बनाऊंगा और उन रिश्तों की नुमाइश करने के लिए मैं अपने घर के बाहर सीसीटीवी लगवाऊंगा, ताकि मैं कब हसीना से मिलता हूँ, कब उसके घर जाता हूँ, उस सबकी रिकॉर्डिंग हो जाए। तो किस चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तुम इब्राहिम मियां? नाजिया के चक्कर की, मुश्ताक के साथ? नाजिया हमारे पास इस बात के पूरे सबूत हैं कि इब्राहिम को पता चला तुम्हारे और मुश्ताक के चक्कर के बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब झूठ है। तुम्हारी आवाज सुन के तो नहीं लग रहा है कि ये सब झूठ है,
ये आंसू वासू बाद में, फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं। ये बताओ ये आदमी कौन है जिसे भेजकर इब्राहिम ने आफरीन को मरवाया? हाँ, मैंने सीसीटीवी नाजिया के लिए लगा रखा था। शक था मुझे नाजिया पर, जो किसी के साथ जाती है, कोई आता है उससे मिलना। मतलब मुश्ताक? मुश्ताक, मुश्ताक ही है ना वो सर? नाजिया ने बोला आपको? क्या क्या बोला? बताओ नाजिया। एक औरत पर कितनी बारीकी से नजर रखी जाती है, कितनी आसानी से उस पर शक कर लिया जाता है। अगर वो थोड़ी देर घर से बाहर रहे या किसी से दो चार बातें कर ले तो उस पर चक्कर का ठप्पा लग जाता है, उसे जलील किया जाता है। आप तो एक औरत है, आप समझ सकती हैं कि मुझ पे क्या गुजर रही होगी। इस वक्त मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं नाजिया, मुझे जाने में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुम पे क्या गुजरी थी। फिलहाल मुझे ये जानना है हुआ क्या था, सच क्या है। सच ये, पूरी वफादारी के बावजूद, पूरे प्यार के बावजूद मेरा शौहर मुझ पे शक करता है, और उसी शक की वजह से इब्राहिम ने आफरीन को मार डाला। मैं नहीं जानती इब्राहिम ने क्या किया, पर बस बस इतना जानती कि वो सीसीटीवी रोज मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाता है। उसे देखती हूँ ना तो मुझे घिन आती है। मैडम, सोहेल ने गलती से उस दिन उसी वक्त उसे बंद कर दिया था। वो सिर्फ एक इत्तेफाक था, आप मानो या ना मानो मैडम, पर यही सच है। सच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुश्ताक के साथ नाजिया का चक्कर होता भी तो भी मैं एक मासूम बच्ची को क्यों मार डालता साहब? और साहब एक बार मेरी तसल्ली के लिए बोल दीजिए, वो जो आपने बताया वो सच मुश्ताक ही था ना? हमने कुछ बताया नहीं, हमेशा के मुश्ताक से बदला लेने के लिए तुमने आफरीन की जान। आफरीन को नहीं मारा साहब मैंने, अगर चक्कर का पता चलता भी तो नाजिया या मुश्ताक को या फिर दोनों को मार डालता शायद मैं, या कम से कम नाजिया को तलाक तो दे देता, पर एक बच्ची पर अपना गुस्सा नहीं उतारता साहब। शकी हूं वैशी नहीं। फिर एक बार हम अंधेरे में चारों तरफ तीर चला रहे थे। हमारी तहकीकात की वजह से जो संभावनाओं का और भावनाओं का पिटारा खुला था, उससे कुछ संदिग्धों के घरों में खलबली मचनी शुरू हो गई थी। आफरीन के कत्ल ने कई रिश्तों को टूटने की कगार पे ला छोड़ा था। तुम्हें जफर को लेकर कहीं जाना है तो जा सकती हो, मैं रोकूंगा नहीं। पुलिस ने कहा है मैं कहीं नहीं जा सकती। उन्होंने कहा है कि तुम भदोही नहीं छोड़ सकते, जरूरी नहीं है कि यहां रुको, मेरे घर में। अच्छा, तुम्हारा घर? घर चार दीवारियां नहीं होती, घर एक मकान होता है, छोटा सा, बिल्कुल तुम्हारे दिल जैसा। परवेज का घर तो बड़ा है ना, वहां चली जाओ, जफर को बाप का सुख भी मिल जाए, सब खुश रहेंगे। तुम, मैं, मुश्ताक सैयद, मुझे कौसर या लूबना मत समझना कि भीगी बिल्ली बनकर सिकुड़ जाऊंगी। कोर्ट में नंगा करूंगी तुम्हें, डीएनए टेस्ट से साबित करवाऊंगी कि जफर तुम्हारी औलाद है, और फिर ऐसी कीमत वसूलूंगी तुमसे कि दोबारा किसी औरत को इस्तेमाल करके फेंकने की जुर्रत नहीं करोगे तुम। उसी कीमत के लिए आफरीन को मरवा डाला? आफरीन को तुमने मरवाया है क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानों का खून नहीं, खुदगर्जी के नाले का गंदा पानी बहता है कमीने। सुअर की औलाद हो तुम, जहरीले सांप हो तुम। दोबारा हाथ उठाने की सोचना भी मत। हसीना बनकर बहुत कुछ झेल लिया, लेकिन असली नाम हर्षा है। अगर दोबारा हाथ उठाया ना तो दो हाथ मिलेंगे बदले में, दांत पेट में होंगे तुम्हारे। ऐसा क्या मुश्ताक में जो मुझ में नहीं साले? बोल बोल, उसी से मिलती थी ना, वही तेरा आशिक है ना? मेरा कोई आशिक नहीं। तो पुलिस को भी कैसे शक हुआ तुझ पर? वो मेरे जैसे शकी पागल तो नहीं है? नहीं है ना? उन्हें कैसे पता चला? क्या सबूत मिला उन्हें? बोल क्या क्या सबूत मिला? बोल क्या सबूत मिला उनको? उनको कैसे पता चला? मैडम, नाजिया बोल रही हूँ। तुम्हारे ही फोन का वेट कर रही थी मैं नाजिया, अब तो सच बोलोगी? मैडम सच आप पता कीजिए, बस मेरी एक बात सुनिए। हाँ सुन रही हूँ।
मुश्ताक के साथ मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं था, बल्कि वो मेरा फायदा उठा रहा था। कैसा फायदा? मेरे शौहर का काम ठीक नहीं चल रहा था, बहुत तंगी थी, घर में हर वक्त मायूसी रहती थी। ये कुछ 7-8 महीने पहले की बात है। दिल हल्का करने के लिए मैंने ऐसे ही एक बार मुश्ताक को अपने घर की हालत बता दी, तो उसने कहा कि वो मुराकबा करेगा और तावीज़ देगा, जिससे हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। मुश्ताक पर भरोसा ना करने जैसी कोई बात ही नहीं थी मैडम, मुश्ताक भाई कहती थी मैं उन्हें। ताबीज देने के बहाने उसने मुझे कुछ सुंघाया और मुझे लगा कि मुराकबे का हिस्सा है ये। रेप किया उसने तुम्हारा? नाजिया देखो नाजिया, डरो नहीं, बोलो। जी मैडम, बेहोशी में फायदा उठाया और जब होश आया तो उसने मुझे धमकी दी। वीडियो बनाया? उसने बोला कि वीडियो बनाया, पर मैंने तो देखा नहीं। उसने कहा कि अगर मैं अपना मुंह खोलूंगी तो वो वीडियो इब्राहिम को दिखा देगा और मोहल्ले वालों को भी। फिर ये बार बार हुआ, जब भी बुलाता जाना पड़ता था। नाजिया तुम हमारे पास आती, एक बार हमसे शिकायत करके तो देखती, खाल उधेड़ देते हम उसकी और साथ में मेरी इज्जत भी उतरती। बस बस मैडम, यही बताना था। आफरीन के कत्ल के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। इब्राहिम मुझ पे शक करता था क्योंकि मुझे उस कुत्ते मुश्ताक से मिलने जाना पड़ता था, पर बस अब और सहन नहीं हो रहा था मैडम, इसलिए आपको बता दिया। और एक बात और बतानी है आपको मैडम। हाँ बोलो नाजिया। मैं अकेली नहीं हूँ, इस मोहल्ले में और भी औरतें जिनके साथ ऐसा हुआ है। और कौन कौन है, नाम बताओ। मर जाऊंगी लेकिन नाम नहीं लूंगी, और आप भी मेहरबानी करना मेरा नाम मत आने देना। नाजिया ऐसा नहीं होता है, तुम्हें सामने आके शिकायत दर्ज करानी होगी और उन सभी औरतों को साथ लाना होगा। ये नहीं हो सकता मैडम, अगर आपने जिद की तो समझिए हमारी ये बात हुई ही नहीं। यहाँ हम दुश्मनियाँ खोद रहे थे और निकला ये सड़ा हुआ लीचड़ चूहा। सर हो सकता मुश्ताक के किसी विक्टिम ने बदला लेने के लिए वार किया। सर मैंने नाजिया को काफी समझाया, वो दावे के साथ बस यही कह रही है कि ना वो और ना बाकी औरतें सामने आएंगी शिकायत दर्ज कराने के लिए। सबको अपनी बदनामी का बहुत डर है। जी तो करता तेरी बच्ची के कत्ल के लिए तेरे खिलाफ ही चार्जशीट फाइल कर दूं। किसी ने आपके कान भरे, मैंने किसी औरत का गलत फायदा नहीं उठाया। इसमें उन सभी औरतों का नाम लिख जिनको तूने अपनी हवस का शिकार बनाया, लिख जल्दी। सर ये मेरे खिलाफ कोई खतरनाक साजिश है, मैंने किसी औरत का गलत फायदा नहीं उठाया। जो मैंने किया ही नहीं उसके लिए मेरी बच्ची को सजा क्यों भुगतनी पड़ेगी? हाँ शफक बोल। साहब दिमाग के डॉक्टर हैं डॉक्टर नरेश पुरी, उनके क्लिनिक में एक छोटा सा वार्ड भी है, शाहिद सिद्दीकी वहीं एडमिट है। कौन है शाहिद सिद्दीकी? बिजली विभाग में क्लास 3 रैंक का कर्मचारी है। इस शाहिद का क्या लेना देना आफरीन के मर्डर से? शायद इसी ने मर्डर किया साहब। उस क्लिनिक में एक अटेंडेंट है रौनक सिंह, मेरा दोस्त है, उसने टिप दी। अशफाक भाई सुनो तो, आज जब मैं शाहिद सिद्दीकी के कमरे में उसे दवाई देने गया तो वो नींद में कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था। माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह। बच्चे को नहीं मारना चाहिए, गलती हो गई मुझसे। जब उसने बच्ची कहा तब मेरी घंटी बजी। तुमने वो हाजी रुमाल वाले की तस्वीर दिखाई थी ना मुझे, कहा था कि किसी बच्ची का मर्डर हुआ है हाशिम नगर में। ये बंदा हो सकता है आफरीन का कातिल, शाहिद की माँ का नाम है रूबीना। वैसे साहब मैंने अपनी 2 खास लड़कियों को हाशिम नगर में फील्डिंग पे लगाया और उन्होंने बड़ी चालाकी से कई औरतों से पता लगाया। ये मुश्ताक की काली करतूतों वाली बात सच है? सुलाने सच है साहब, लंबी लिस्ट है औरतों की। पर ये शाहिद की उससे क्या दुश्मनी थी? क्या इसने लड़कों के साथ भी कुछ ऐसा किया? शाहिद सिद्दीकी हमें देखकर चौंक गया था, उसे लगा उसका राज उसकी माँ ने हमारे सामने खोल दिया था, पर हकीकत ये थी
कि उसने खुद नींद में बोलकर अपने आप को पकड़वाया था, और जाहिर सी बात है उसे ये बात मालूम ही नहीं थी। ये कौन सा ये? बोलिए ना कौन सा ये? क्यों शाहिद, किस बात का गुस्सा निकला आफरीन पर, या फिर ये कोई पलटवार था? मुझे उस बच्चे को नहीं मारना चाहता सर, बहुत बड़ा गुनाह हो गया सर मुझसे, पर मैं उस बच्चे को नहीं मारना चाहता था सर। तो फिर किसे मारना चाहते थे? आपको पता था 18 अक्टूबर से ही आपको पता था ना कि आपके बेटे शाहिद ने आफरीन का कत्ल कर दिया है? नहीं, शाहिद ने कत्ल नहीं किया, उसके हाथों गलती हुई है जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। तो फिर कौन जिम्मेदार है रुबीना? मैं। शाहिद क्या हुआ तुझे, इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैंने एक बच्चे का कत्ल कर दिया। अल्लाह, क्या कह रहा है तू? कौन सी बच्ची? मुश्ताक के तरवाले की बेटी का कत्ल कर दिया अम्मी। मैं मुश्ताक को मारने जा रहा था, उसके घर के तो दरवाजा उसकी बेटी ने खोला, पता नहीं क्या हुआ मुझे और मैंने उसको ही मार दिया अम्मी, मैंने उस छोटी सी बच्ची को मार दी। ये सब मेरी वजह से हुआ है मैडम। मुश्ताक ने आपका भी बलात्कार किया? मुश्ताक ने धोखे से ताबीज के बहाने मेरा फायदा उठाया था। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मैं तन्हा हो गई थी, मायूस रहती थी, डर सा लगा रहता था, सोचा तावीज बंधवा लूं, सुकून मिलेगा, इसलिए गई मुश्ताक के पास। पहली बार में ही उसने अपनी चाल चली, फिर धमकी दी, बार बार इस्तेमाल किया। झूठ नहीं बोलूंगी, उसके बाद दरअसल जो भी हुआ वो मेरी मर्जी से हुआ, अकेली थी, मेरी भी कुछ जरूरतें थी जो मुश्ताक से पूरी हो रही थी, पर शायद ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। अस्सलाम वालेकुम शाहिद मियां। क्यों आता रहता है ये इतर वाला? मुश्ताक भाई बोलो बेटा, बड़े हैं तुमसे और आते क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया था। क्यों? अकेलापन दूर करते हैं, मेरा दोस्त है, मेरे आशिक है। अम्मी से ऐसे बात करते हैं? आशिक है। हाथ मुंह धो लो, मैं रोटी बनाती हूं। अम्मू को गुजरे 2 साल भी नहीं हुए अम्मी। तू नहीं समझेगा, किसी के साथ रहकर भी इंसान सालों साल अकेला हो सकता है। अरे इज्जत विज्जत भी कुछ चीज है या नहीं है अम्मी? और क्या वो निकाह करेगा तुमसे? शादीशुदा है, एक से ज्यादा बार शादियां कर चुका है अम्मी, उसकी भी गम बनोगी तुम? ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? बोलो अम्मी। मुझे कुछ नहीं बोलना। तुम नहीं बोलोगी तो जमाना तो बोलेगा, और बोलेगा नहीं थूकेगा अम्मी। ना अम्मी मिलना बंद कर रही थी और ना मुश्ताक, मैंने उसको भी समझाने की कोशिश की थी। मुश्ताक भाई, आज के बाद आप हमारे घर नहीं आएंगे। शायद मियां, अभी तुम छोटे हो। चुप। मना कर दिया ना आपको? अम्मी है वो मेरी, इज्जत है उनकी और मेरी भी इज्जत है, समझे आप?
पर वो दोनों रुके नहीं, मिलते रहे चुप चुप कर। लेकिन मुझे भी ना बदबू आ गई सर, उनसे अगर रहा नहीं जा रहा तो मुझसे सहा नहीं जा रहा था। मुश्ताक की बीवी हसीना, उसने भी तुम्हारा साथ दिया था? नहीं सर, मैं उसे नहीं जानता, मैं तो वहां पे मुश्ताक को मारने गया था। पूरी तैयारी के साथ गए थे, चेहरा छुपाकर? मैंने वो किराने वाले की दुकान पे सीसीटीवी देख लिया था, तो मुंह ढक लिया। मेरा इरादा था कि मैं उसके घर जाके उसका गला दबा दूंगा और फिर चैन से जीऊंगा, मगर दरवाजा उस बच्चे ने खोला सर। मेरे तो इतना गुस्सा भरा होता कि मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उस बच्चे का गला दबा दिया सर। मैं वहां पर मुश्ताक को मारने गया था सर, मैं मुश्ताक को मारना चाहता था, बच्ची को नहीं मारना चाहता था। उससे क्या होता, अगर तुम मुश्ताक को मार भी देते, पकड़े तो तुम तब भी जाते, तब भी यहीं होते अंदर लॉकअप में, और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती, और बाहर तुम्हारी अम्मी और भी तनहा और भी अकेली हो जाती, फिर कभी ना कभी किसी और से दोस्ती होती, तो क्या तुम पूरी दुनिया को मारते फिरते? शाहिद ने जो भी किया वो मेरी वजह से किया, गुनेगार मैं हूं इस कत्ल की। आपने जो मुश्ताक के साथ रिश्ता जोड़ा वो आपकी जिंदगी का निजी फैसला था, इस पर सही या गलत की टिप्पणी ना हम कर सकते हैं और ना ही कोई और, लेकिन हाँ आपसे गुनाह हुआ जरूर है, शाहिद का अपराध छुपाने का गुनाह। मैं अपनी चीजें लेने के लिए आज शाम को या कल सुबह तक किसी को भेज दूंगी। मत जाओ हसीना, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। ताज्जुब होता है मुझे मुश्ताक, तीन औरतें जिसमें एक मैं भी शामिल हूँ कैसे तुम्हारे चंगुल में फंस गई, लेकिन अब पता चल रहा है ऐसी कई सारी औरतें थी। खैर हम तो अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हारी जान आफरीन के कत्ल के जिम्मेदार तुम खुद हो, उस मासूम की जान तुम्हारी करतूतों की वजह से गई है, और इस बात की सजा तुम्हें कानून दे या ना दे अल्लाह मियां जरूर देंगे। मोहल्ले की एक भी औरत मुश्ताक के खिलाफ शिकायत करने के लिए सामने नहीं आई, हम उसके खिलाफ कोई केस नहीं बना पाए। पर कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि मुश्ताक को उसके मोहल्ले वालों ने घर और दुकान बेचकर वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। एक तरफ है मुश्ताक के संगीन जुर्म, जहां उसने औरतों को बेहोश करके उनका बलात्कार किया, उन्हें ब्लैकमेल किया, पर कोई भी उसके खिलाफ शिकायत करने सामने नहीं आया। सभी विक्टिम्स के अपने अपने डर थे और उन सब ने उस डर के साथ जीने का फैसला कर लिया था। अगर आज के दौर के बारे में सोचें तो एक नामचीन हॉलीवुड प्रोड्यूसर के कुकर्मों के खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर मीटू कैंपेन ने आग लगा दी, जिसमें दुनिया भर की लाखों औरतों ने अपने साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट को बयान किया। सालों से, पीढ़ियों से औरतों की चली आ रही चुप्पी और डर मुश्ताक जैसे वहशी लोगों का हौसला बढ़ाती रही, और यह भी सच है कि ऐसे वहशी दरिंदों की करतूतों को जानने के बाद भी कई औरतें और मर्द उसके खिलाफ खड़े नहीं होते, गुनहगार को एक्सपोज नहीं करते। इस केस की दूसरी तरफ है एक जवान आदमी जिसे अपनी मां के इस फैसले से एतराज था कि उसकी मां अपने अकेलेपन और जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी मर्द से रिश्ता जोड़ रही थी। वो मर्द मुश्ताक ना भी होता तब भी शाहिद की प्रतिक्रिया वही होती। शाहिद, जरूरत है हम सभी संयम और मैच्योरिटी से काम लें ताकि जज्बातों पर काबू रखा जाए, उन्हें उमड़कर जुर्म का लावा ना बनने दिया जाए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।